शराब की छापेमारी के विरोध करने व पुलिसकर्मी को मारपीट कर घायल करने के मामले में 11 को नामजद अभियुक्त व 100 से 125 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज। बता दें आपको कि मझौलिया पुलिस व ALTF पुलिस ने पिछले दिनों शराब के विरुद्ध छापेमारी को लेकर थाना क्षेत्र के करमा पंचायत वार्ड नंबर 1 में गई, जहां छापेमारी के दौरान ALTF SI संतोष कुमार सिंह की सर फट गए और पुलिसकर्मियों को चोट भी आई। छापेमारी के विरुद्ध आक्रोशित लोगों ने गोलबंद होकर बांस और लाठी से मारपीट करना शुरू कर दिया। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गई, जिसकी जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार साह ने दी। उन्होंने बताया कि लोगों के खिलाफ विरुद्ध थाना कांड संख्या 393/22 धारा 147 148 आदि धाराओं के तहत पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान शुरू किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के ईटी नंबर के आदेश के आलोक में थाना के ARTF टीम और थाना के गश्ती दल के द्वारा करमोवा वार्ड नंबर 1 में ईटी के जांच हेतु गई टीम पर वहां के कुछ व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया और जांच को प्रभावित किया गया। इस मामले में एक सिपाही को भी चोट आई हुई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी संख्या है 393/22, इसमें कुल नामजद 11 अभियुक्तों को बनाया गया है और अज्ञात 100 से 125 व्यक्तियों पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। अन्य कांड में ये बजरा के टीम के साथ थाना का संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया गया है। इस छापेमारी अभियान में मझौलिया थाना कांड संख्या 103/21 के प्राथमिकी अभियुक्त गणेश यादव पिता भिखारी यादव को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक अन्य कांड 397/22 ये मद निषेध के कांड है, इसमें दो व्यक्ति आफ्ताब आलम ये हैं, एक अन्य व्यक्ति है नौशाद आलम, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये उनके मोटरसाइकिल में फ्रूटी शराब बरामद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अख्तर करवाई हेतु न्यायालय भेजा गया। मेरे भाई को की मारा अभी क्या है आप ए भारी अभी क्या है मझौलिया पश्चिमी चंपारण से संवाददाता मनीष कुमार की।